हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपकी एक्टिवा में से भी नॉइज़ की प्रॉब्लम आ रही है। तो फ्रेंड्स, मैंने मार्च 2024 को एक न्यू एक्टिवा डीलक्स मॉडल बाई की थी जो फ़िलहाल 1500 किलोमीटर के करीब चल चुकी है। और जब से मैंने एक्टिवा बाई की थी, इसमें कभी कहीं से नॉइज़ की प्रॉब्लम आ रही थी। ज़्यादातर ये नॉइज़ एक्टिवा के रियर व्हील के पास से आता था। उन प्रॉब्लम्स में से फ़िलहाल मैं दो प्रॉब्लम्स जो कि मोस्ट कॉमनली हर एक्टिवा में मैंने देखी हैं और उसका सोल्यूशन आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ये वीडियो 2020 में आई एक्टिवा 6G और उसके बाद आए मॉडल्स के लिए है। और मेरी एक्टिवा BS6 ही है, पर इस पर 6G नहीं लिखा होता और ये 2024 का मॉडल है। तो चलिए, ज़्यादा समय ना लेते हुए हम सीधा आते हैं इन प्रॉब्लम्स की तरफ। अगर आपकी एक्टिवा की नंबर प्लेट लग चुकी है तो सबसे पहले आप एक्टिवा की पिछली नंबर प्लेट चेक कीजिए कि कहीं ये नॉइज़ वहाँ से तो नहीं आ रहा। ये नॉइज़ कुछ इस तरह का होगा। ये नॉइज़ इसलिए आता है क्योंकि नंबर प्लेट फिक्स करते समय जो रिवर्ट्स इस्तेमाल की जाती हैं, या तो वो लूज़ हो जाते हैं या प्रॉपरली टाइट नहीं हुए होते, जिसकी वजह से ये मेटल की प्लेट पीछे लगे प्लास्टिक से टकरा के नॉइज़ क्रिएट करती है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप कोई भी इस प्रकार का बबल रैप ले सकते हैं, और अगर आपकी प्लेट ज़्यादा लूज़ है तो डबल टेप भी ले सकते हैं और इसे फोल्ड करके नंबर प्लेट के पीछे और प्लास्टिक के बीच में फिक्स कर दीजिए। बबल रैप को अच्छी तरह से फिक्स करने के बाद इस तरह से चेक कीजिए, जो नॉइज़ आपको पहले आ रहा था वो बिल्कुल ही बंद हो चुका है। इसके बाद अपनी एक्टिवा की टेस्ट ड्राइव लें और चेक करें कि इसकी नॉइज़ की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई या नहीं। अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ चलते हैं एक्टिवा की सेकंड मोस्ट कॉमन नॉइज़ प्रॉब्लम की तरफ। तो नंबर प्लेट के बाद जो मैंने सेकंड नॉइज़ प्रॉब्लम फेस की वो थी सेंटर स्टैंड की। इसे चेक करने के लिए सबसे पहले आप स्कूटी चलाते समय सेंटर स्टैंड को पैर के साथ कुछ इस तरह से प्रेस करें, और अगर नॉइज़ बंद हो जाता है तो नॉइज़ यहीं से आ रहा है। इस नॉइज़ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले स्कूटी को साइड स्टैंड पर लगाकर चेक करें कि कहीं सेंटर स्टैंड किक से टकरा तो नहीं रहा। इसके बाद स्कूटी को सेंटर स्टैंड पर वापस लगाएं और चेक करें कि स्टैंड पर लगा हुआ ये रबड़ का बुश मिसिंग तो नहीं है, क्योंकि इसकी वजह से भी आपको स्कूटी में से नॉइज़ की प्रॉब्लम आ सकती है। अगर ये सब ठीक है तो फिर आपको ये स्टैंड रिमूव करके अच्छे से ग्रीसिंग करके दोबारा फिट करना होगा। तो चलिए इस स्टैंड को रिमूव करते हैं। सेंटर स्टैंड को रिमूव करने के लिए स्कूटी को फिर से साइड स्टैंड पर लगाएं और किक वाली साइड से स्टैंड के लॉक पिन और वॉशर रिमूव करें। अब स्टैंड की रॉड को किसी चीज़ की मदद से हिट करें ताकि रॉड दूसरी तरफ से थोड़ी बाहर आ जाए। अब दूसरी तरफ से स्टैंड की रॉड के साथ जुड़े इस मेटल के पार्ट को स्क्रू ड्राइवर की मदद से थोड़ा सा बाहर निकालें ताकि ये इजीली रोटेट हो सके और फिर इसका स्प्रिंग भी इजीली रिमूव हो जाएगा।
और अब यहाँ पर स्टैंड रॉड और स्टैंड रिमूव हो चुका है। अब इस रॉड और स्टैंड को अच्छे से ग्रीस करेंगे। मैं फ़िलहाल यहाँ पर कम ही ग्रीस इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि मैं ये प्रोसेस ऑलरेडी कर चुका हूँ। आप सबको दिखाने के लिए ये रिपीट कर रहा हूँ। फाइनली स्टैंड को अच्छे से ग्रीस करने के बाद चलिए इसे वापस से फिट करते हैं। स्टैंड को अपनी जगह पर अटैच करें। स्टैंड की रॉड कुछ इस प्रकार से इंसर्ट करें। स्प्रिंग को कुछ इस तरह से लगाएं। दूसरी तरफ से रॉड पर एक्स्ट्रा ग्रीस को किसी कपड़े की सहायता से साफ कर लें और फिर वॉशर और हब पिन लगाकर इसे लॉक कर दीजिए। ये काम करने के बाद आप अपनी एक्टिवा को टेस्ट ड्राइव कीजिए। इसमें आपको किसी भी तरह का कोई नॉइज़ प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा। अगर इतना सब करने के बाद भी आपकी स्कूटी में से नॉइज़ आ रहा है तो फिक्र मत कीजिए। नेक्स्ट पार्ट में हम इसकी कुछ और प्रॉब्लम्स भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। Thank you for watching our video.